ओके महाराज जान कर। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। हाँ तो मेरे जीत, इतने लोगों कैसे हो? लॉन्ग टाइम नो सीन यार, कहाँ मर जाते हो तुम सब? एक वीडियो देखते हो फिर 20-20 दिन गायब हो जाते हो, आते ही न्यू चैनल पे वीडियो देखने। मुझे पता है मैं तुम लोगों को ये सब कुछ कह के उथली पतली बुला रहा हूँ। मुझे पता था कि ये वीडियो आने के बाद तुम सब लोगों ने मुझे यही कुछ कहना था, इसलिए मैं तुम लोगों को सबसे पहले बोल दिया। इसे कहते हैं मरवानियाँ बुढ़ना और खाने खीरे। और अपना हो पहने क्या खुद लगाई हूँ और सारा इल्जाम दूसरे पे डाल के सुकून से मार लो करनी, जो कि मैंने मार लिया। खैर जो भी, ये चैनल थोड़ा रेगुलर हो जाओ और रोज लाइक कमेंट किया करो। पूरा पूरा महीना तुम लोग गायब हो जाते हो यार, चीटिंग करता है तू। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे सीडी छापर और नसरीन बाजी के बारे में। यूट्यूब से गायब क्या होता हूँ, पीछे से कोई भी कुत्ता बिल्ला उठ के यूट्यूबरों के साथ लड़ने शुरू हो जाता है। कुछ दिन पहले एक पोस्ट लगाई कि नसरीन बाजी और सीडी छापर के इस दरमियान क्या चल रहा है। उस पोस्ट पर कमेंट आने से मुझे पता चला कि तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। जाहिर सी बात है, गले की नुक्कड़ का कुत्ता भौंक रहा होगा, तुम लोगों को क्या पता। इसलिए हाजिर है तुम लोगों के दिलों का राजा जी यानी कि उम्मी भाई। मैं तुम लोगों को बताता हूँ इन दोनों के बीच में क्या मसला चल रहा है। बात शुरू होती है सलवार के अनुसार। कोई भी अरा गहरा नथु खेरा आके नसरीन बाजी से पूछता है, आपको सबसे ज्यादा गंदा टिकटॉकर कौन सा लगता है? आपको सबसे ज्यादा बुरा टिकटॉकर कौन लगता है? फॉर यू पेज आंदा है रैपर, सिड रैपर नाम करके है। तो वो भाजी कभी फैसल डॉन साहब के नाल पंगे चल रहे, कभी फलाना फिल्टर ला लो तो थोड़ी वीडियो वायरल, जे जिस तरह फुदू बना रहा लोगों ना पागल बना रहा। देखो जरा शर्म नहीं आती कि ये एक टिकटॉकर को बुरा कह रहा है, इसको पता होना चाहिए कि सारे हराम के हैं। उस बेचारे ने पूछ ही लिया कि इनमें से हराम का कौन है, तो इसने भी सीधा सीढ़ी का नाम ले दिया है कि वो छापर है। नाम लेने का मतलब होता है उंगल देना, उंगल देने का मतलब होता है कॉन्ट्रोवर्सी। यहीं से इन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। दो में लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी ताकत से, हाथों से, बल्लों से। इस दौर में लड़ाई लड़ी जाती है वीडियोस पे। अगर इन लोगों की लड़ाइयों की खबर दी जाए तो वो कुछ ऐसी होगी। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप सब देख रहे हैं 69 न्यूज। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ मैं खुला, मेरा है 6 इंच का। तो आज के 7 बजे वाले बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। धरती के हालात बहुत ही खराब और जंगी हो चुके हैं। ओरे बाबा, आला हुकाम से मेरी गुजारिश है कि बीच में बार बार मीम्स डाल के एडिटर अपनी माँ पेश न करे और मेरी खबरों को फ्लो में चलने दे, शुक्रिया। तो आज की सबसे पहली और दिल दहला देने वाली खबर ये आ रही है कि नसरीन बाजी ने पूरे 38 सेकंड की वीडियो बनाकर सिड रैपर की मोर्ची पे हमला कर दिया। बातों का बारूद ज्यादा होने की वजह से सिड रैपर की मोर्ची पूरी तरह से सर्वनाश हो गई। जवाबी कार्रवाई में सिड रैपर भी अपनी बुलडोजर जोर लगाते हुए वीडियोस पे वीडियोस बना रहे हैं। फिलहाल बात बॉक्सिंग मैच तक पहुंची है, आगे आगे देखो होता है क्या। और आगे कुछ भी देखने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अपना न्यूज वाला एंटीना हम उसके अंदर देने लगे हैं। इस तरह की किसी भी परेशानी से बचने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। वैसा तो ये बंदा बड़ा हैवी कंटेंट क्रिएटर है, लेकिन इनको वीडियो बनाने की तमीज नहीं होती। वैसा तो ये बंदा बड़ा सीरियस होकर बात कर रहा है, लेकिन उसी वीडियो के नीचे इन लोगों ने हंसने वाला साउंड इफेक्ट भी लगाया हुआ है। तो इन जैसे लोग बड़े कोई यदि के होते हैं, लेकिन इनके हाथ टिकटॉक लग जाए तो ये अपने आप को कंटेंट क्रिएटर समझ बैठते हैं। ऊपर के मुंह वाले को इतना नहीं पता कौन सी वीडियो के नीचे कौन सा साउंड इफेक्ट लगाना है। अपने घर के दरवाजे पे खड़ा होकर उसे बुला रहा है इथे या उसने सच में आ जाना है, फिर इसने रोला पा देना है कि वो मेरे घर बढ़ गया। इन जैसे लोगों को कोठे पर रखा जाता है, वहाँ पे लोग करते हैं तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। जिस दिन कोई ना आवे वो दिन कहते हैं वी दा फेरा तेल भी मेरा। आई डोंट नो रहीम परदेसी को क्या उंगल हुई है, मुझे कह रहा है जाइए, इनका कंटेंट अच्छा नहीं है, ये फुदू वीडियो बनाते हैं, ये फारग है। ऐसे गंदे गटर से निकले शजंदर रहीम परदेसी के अलावा जो भी बंदा तेरे वीडियो देखते है वो यही कहता है। चलो यार आज के लिए बात नहीं, बाकी लाइक मारो और सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, बाकी शेयर करो और अपने भाई को सपोर्ट करो।